नमस्कार दोस्तों, कोडाना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज किस वीडियो में आपको बताएंगे कि विंडोज 11 के अंदर वॉलपेपर को कैसे चेंज किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा पीसी जो है विंडोज 11 है और इसमें जो वॉलपेपर यहाँ पे लगा है उसे कैसे चेंज करना है आज किस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इसका प्रोसेस बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको डेस्कटॉप के ऊपर राइट बटन प्रेस करना है, पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जैसे आप पर्सनलाइज पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। दोस्तों, अगर आप एक फोटो अपना वॉलपेपर के तौर पर लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले बैकग्राउंड पे क्लिक करिएगा और जैसे आप बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा विंडोज स्पॉटलाइट। तो विंडोज की तरफ से जो इमेज लगाने हैं उसके लिए विंडोज स्पॉटलाइट का यूज करते हैं, लेकिन अगर आप अपना फोटो लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पिक्चर पे क्लिक करना होगा और जिस भी फोटो को लाना चाहते हैं उस फोटोज को आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इस फोटोज को जैसे सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में वो फोटोज लग चुका है। कोई और फोटो लगाना है तो इसके लिए सेटिंग पे क्लिक करना है, ब्राउज फोटोज पे क्लिक करके उस फोटो को पिक करना है जिसे आप वॉलपेपर के तौर पे लगाना चाहते हैं। तो जैसे कि हमने डेस्कटॉप पे कुछ तस्वीरें रखी हैं, यहाँ पे फोटोज के अंदर हमने कुछ तस्वीरें आपको रखा है, हम ये चाहते हैं वॉलपेपर के तौर पे इस इमेज को लगाया जाए तो इसको सिलेक्ट करेंगे और चूज पिक्चर पे क्लिक करेंगे। आप देख पाएंगे कि ये वॉलपेपर के तौर पे लग चुका है। तो दोस्तों, जब कभी भी आपको वॉलपेपर लगाना, सिंपल है, सेटिंग पे जाना है, ब्राउज फोटेज पे क्लिक करना, जिस फोटो को लगाना है उसको सेलेक्ट करना है, चूज पिक्चर पे क्लिक करना है, ये लग जाएगा। अभी आप देख सकते हैं फोटो काफी अच्छे तरीके से लग चुका है। अगर आप ये चाहते हैं कि इस फोटोज की जो साइज है अभी जो दिखाई दे रहा है इस वॉलपेपर पे, इसको अगर आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं या इसे जूम आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ सेटिंग पे जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे एक ऑप्शन दिया चूज अ फिट फॉर योर डेस्कटॉप इमेज, इस पे क्लिक करके यहाँ जा करके फिट पे क्लिक करेंगे तो ये फिट आएगा। देखिए आप साइड साइड में देख रहे हैं, दूसरा कलर दिखा रहे हैं लेकिन ये फिट स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार दिख रहा है। इसे आप चाहें तो यहाँ पे फिट के अलावा आप स्ट्रेच पे कर देंगे, स्ट्रेच में कुछ इस तरीके दिखाई देगा। और अगर आप इसी साइज में करना चाहते हैं टाइल साइज में तो टाइल पे क्लिक दिखा दे। हालांकि ये इमेज अलग अलग इमेज के साथ ये अलग अलग इफेक्ट आ सकते हैं। जैसे यदि हम कोई लो क्वालिटी के इमेज लगाए, जैसे हम यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक किए, कोई छोटी सी पिक्चर लगा दे डेस्कटॉप से सेलेक्ट कर, चाहे कहीं से भी, हमने यहाँ पे एक छोटी सी फोटो यहाँ से सेलेक्ट कर ली, तो यहाँ हमने एक छोटी सी फोटो सेलेक्ट कर ली ये वाला। जैसे हम इस फोटो को सेलेक्ट करें आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक ही इमेज कई बार दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने इसके लिए यहाँ पे जो है टाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। अगर आप फिल पे क्लिक करें तो सिर्फ एक ही इमेज आएगा और भी पूरी तरह से स्क्रीन पे फिल रहेगा। इनके अलावा आप चाहें तो इसे फिट कर सकते हैं, फिट में बीचों बीच में आ जाएगा। और यदि आप किसी और आकार में इसे करना चाहते हैं तो यहाँ फिट पे क्लिक करेंगे, स्ट्रेच पे करेंगे तो आप देखेंगे पूरे फुल स्क्रीन पे ये स्ट्रेच हो चुका है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, हो सकता है आप कोई पिक्चर लगा रहे हो तो उसके साथ साइज में कुछ अलग तरीके से दिख रहा हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सिंपल है, पहले आपको ब्राउज पे जाना है, फोटोज पे क्लिक करना, जिस भी फोटो को लगाना है उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया फोटोज में जा करके इस फोटोज, तो आप देख सकते हैं वॉलपेपर पे वो फोटो लग चुका है। तो इस तरीके से हम वॉलपेपर को आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि स्क्रीन के जो बैकग्राउंड है ये बाय डिफॉल्ट कोई एक कलर हो, यानी कि किसी एक कलर को आप वॉलपेपर के तौर पर लगाना चाहते हैं तो सेटिंग पे क्लिक करिएगा। ये जो पिक्चर वाला ऑप्शन आ रहा है इसको हटा करके आप यहाँ पे सॉलिड कलर पे क्लिक करिएगा। जैसे आप सॉलिड कलर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कई सारे कलर दिखाई देंगे, किसी भी एक कलर को पिक करके आप इसे वॉलपेपर के तौर पर सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पे हमने जो फोटो सॉरी जो कलर लगाया है वो कलर आसानी से लग चुका है। इसे अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे सेटिंग पे, जो भी कलर पिक करना चाहते हो उस कलर को सिलेक्ट करेंगे और आप यहाँ मिनिमाइज करके देखेंगे तो यहाँ पे ये लग चुका है। इनके अलावा अगर आपको कोई कस्टम कलर ऐड करना है तो इसके लिए आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे और व्यू कलर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जो भी कलर प्रिपेयर करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करना है। आप डार्क कलर लेना चाहते हो डार्क कलर ले सकते हैं, लाइट कलर लेना है तो लाइट कलर ले सकते हैं। इसका प्रीव्यू आपको ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अभी जो ये प्रीव्यू दिखाई दे रहा है यही कलर होगा। डन पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं स्क्रीन उस कलर में हो गया। तो दोस्तों, अगर आप चाहें तो वॉलपेपर के तौर पे एक फोटो भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे वॉलपेपर के तौर पे किसी कस्टम कलर को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे वॉलपेपर के तौर पे नए नए प्रेजेंटेशन के तौर पे अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे स्लाइड शो लग जाए, स्लाइड शो का मतलब यह है कि एक पिक्चर आने के बाद फिर दूसरी पिक्चर ऑटोमेटिक आए, फिर तीसरी पिक्चर ऑटोमेटिक आए, तो इसके लिए आप यहाँ आएंगे और ये जो सॉलिड पिक्चर कलर आ रहा है इसको हटा करके आपको स्लाइड शो पे क्लिक करना है। जैसे आप स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि एक फोटो यहाँ पे आ चुका है, कुछ समय बाद ऑटोमेटिक दूसरा भी पिक्चर आ जाएगा। तत्काल अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हो तो इसके लिए
नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, देखिए दूसरी भी बैकग्राउंड आ जाएगी, फिर कोई और चाहिए तो राइट बटन प्रेस करके यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे दूसरी आ जाएगी। इस तरीके से आप अपने हिसाब से कोई भी वॉलपेपर लेना चाहें यहाँ से ले सकते हैं। और ये चीजें कैसे सेटअप करना है, इसके लिए आपको स्लाइड शो पे क्लिक करना है। आपको उस फोल्डर को सिलेक्ट करना होगा जिस फोल्डर में आपने तस्वीरों को रखा होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे फोटोज नाम के फोल्डर का, यहाँ पे हमने 8 तस्वीरों को रखा है और हम ये चाहते हैं कि पहली तस्वीर चले, उसके बाद से 1 मिनट बाद दूसरी तस्वीर आ जाए, फिर तीसरी तस्वीर आ जाए, चौथी आ जाए, ऐसे करके एक एक पिक्चर हमारे पास आते रहे। तो इसके लिए सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे जाना होगा ब्राउज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। एक बार जब ब्राउज को क्लिक करेंगे तो आपको उस फोल्डर को सिलेक्ट करना होगा जिसके अंदर आपने इमेजेस को रखा होगा। जैसे कि हम यहाँ फोटो वाले फोल्डर के अंदर रखे हैं तो फोटो वाले फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, चूज फोल्डर पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे एक इमेज आया, फिर उसके बाद से दूसरी इमेज आएगी, फिर तीसरी आएगी। इनके अलावा कोई और फोल्डर सेलेक्ट करना चाहते थे, यहाँ ब्राउज पर क्लिक करेंगे, मेरे पास एक और फोल्डर यहाँ पे पावर पॉइंट इमेजेज नाम से, इसको सिलेक्ट करके चूज फिक्चर पर क्लिक करें। इसके अंदर बहुत सारी इमेजेज हैं, एक करके सारी इमेज आएंगे। पहला इसमें इमेज ये वाला है, दूसरा इमेज हम चाहे यहाँ पे नेक्स्ट करके दूसरा लाना चाहते तो यहाँ से भी आ जाएगा। अदरवाइज आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि ये पिक्चर ऑटोमेटिक 1 मिनट बाद बदलता रहे, इसके लिए यहाँ एक ऑप्शन आएगा चेंज पिक्चर एवरी, टाइमिंग को अपने हिसाब से सेट करिए। जैसे कि हमने टाइमिंग सेट कर दिया 1 मिनट, तो हर 1 मिनट बाद नए नए पिक्चर इसमें ऐड होते जाएंगे। ऐड होने का मतलब ये है कि नए नए पिक्चर्स यहाँ पे आते जाएंगे। इनके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि जैसे मान के चलिए आपने यहाँ पे फोटोज को सेट कर दिया 1 1 मिनट बाद आए, और अगर आप उस फोल्डर को देखेंगे जिस फोल्डर को आपने सेलेक्ट किया, तो इसमें कुछ तस्वीरें होंगी, मेरे पास यहाँ पे टोटल मिलाकर लगभग 50-60 इमेजेज हैं, तो इसके हिसाब से अगर 1 1 मिनट में 1 1 पिक्चर जाएगा तो 1 घंटे बाद सारे इमेजेज खत्म हो जाएंगे। तो कंप्यूटर क्या करता है, लास्ट वाला जो तस्वीर होता है उसी को दिखाता है, यानी कि यहाँ से जब स्टार्ट होगा और अंतिम में जब इस तस्वीर के ऊपर आएगा तो स्क्रीन वहीं के वहीं रुक जाएगा। आप ये चाहते हैं जैसे ये खत्म हो तो फिर शुरू से रिस्टार्ट हो जाइए, तो इसके लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे और ये जो आप ऑप्शन आ रहा है सफल द पिक्चर ऑर्डर, इसको आप ऑन कर देंगे। इसके ऑन करने से फायदे ये होंगे कि जब हमारे पिक्चर कंप्लीट हो जाएंगे, एक सिरे से अंतिम सिरे तक दिखा लेगा, तो फिर नए सिरे से हमारे इमेज को दिखाना शुरू करेगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लेट स्लाइड शो रन इवन आई एम नॉट बैटरी पावर, यानी कि जब ये बैटरी पावर ना हो तब भी हम चाहते हैं ये चलता रहे, तो इसके लिए हम इसे ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज इसे ऑफ करना चाहे तो ऑफ कर सकते हैं। अभी मैं इसे थोड़ा सा रिस्टोर डाउन कर रहा हूँ, थोड़ा छोटा कर रहा हूँ और इसको यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अभी जो हमारा स्क्रीन का साइज है और वॉलपेपर का साइज है, इसमें अभी जो साइज है वो आप देख सकते हैं, इसे हम चाहे तो चेंज करना चाहे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए स्ट्रेच वाले के जगह पे हम यहाँ पे फिट पे क्लिक करें, तो देखिए वही कुछ फिट होने पे कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। इसे अगर हम यहाँ से जाकर के फिल करें तो कुछ इस तरीके से साइज में परिवर्तन आ रहा है। तो आप अपने हिसाब से कितना स्क्रीन की साइजिंग रखना चाहते हो उसके हिसाब से रख सकते हैं, टाइल करने पर कुछ अलग तरीके से दिखेगा, तो आप अपने हिसाब से इसे चेंज कर लीजिए। इसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे स्लाइड शो के बाद विंडोज स्पोर्ट लाइट। अगर आप ये चाहते हैं विंडोज स्पोर्ट लाइट की इमेजेस को इस्तेमाल करना चाहते हो, तो इसके लिए विंडोज स्पोर्ट लाइट पे क्लिक करिएगा। विंडोज स्पोर्ट लाइट के अंदर जो है तस्वीरों को आपको चेंज नहीं करना होगा, विंडोज की तरफ से आपको नए नए तस्वीरें ऑटोमेटिक यहाँ पे आती रहेंगी। जैसे अभी हमने ओपन किया तो इस तरीके का तस्वीर दिखाई दे रहा है, कुछ समय बाद हो सकता है कि दूसरा तस्वीर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाए, तो विंडोज की तरफ से नई नई तस्वीरें आपको यहाँ पे स्क्रीन को देखने को मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं कि हमें ये वॉलपेपर ना चेंज करना पड़े, ये वॉलपेपर ऑटोमेटिक चेंज होता रहा, तो इसके लिए आप यहाँ पे विंडोज स्पोर्ट लाइट वाले ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप चाहें तो वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं। वॉलपेपर को चेंज करने का एक और आसान तरीका ये भी है कि जिस इमेज को आप वॉलपेपर के तौर पर लगाना चाहते हो उसको ओपन करिएगा और उस इमेज के ऊपर राइट बटन प्रेस करके, शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। और आप यहाँ देखेंगे कि एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे सेटिंग डेस्कटॉप, अभी यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, मैनुअली आपको पहले पिक्चर के ऊपर राइट बटन प्रेस करना है, यहाँ देखिए सेटिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड है, क्योंकि ये इस पे आ रहा है और इस पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इस इमेज का जो फॉर्मेट है इस इमेज से डिफरेंट है, इसलिए इसमें नहीं आ रहा है। तो अभी हमें इस इमेज को अगर वॉलपेपर के तौर पे परमानेंटली सेव करना, तो राइट बटन प्रेस करेंगे, सेटिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं वो यहाँ। तो इस तरीके से भी वॉलपेपर को आप चेंज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया कि कैसे आप वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।